नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के बीच में आने वाली मुख्य नाड़ी है, जैसे कि गंगा जमुना के बीच में आने वाली सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं कुछ आसान विधियां बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप सुषुम्ना को जागृत करके वह सब कार्य कर सकते हैं जिनके करने से आपको आध्यात्मिक व धार्मिक लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप यह भी जान लें कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप सुषुम्ना के जागृत रहते हुए नहीं कर सकते। कोई भी मुख्य निर्णय, इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो। किसी भी मित्र या शत्रु से मिलने के लिए ना जाएं जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वर जागृत हो। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी संभावना है, इस बात का योग है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी बात करती है, देर इज ए पॉसिबिलिटी, वो संभावना की खोज में है। ज्योतिष अभी बहुत बचकाना है स्वर विज्ञान के आगे। ज्योतिष ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, ऐसा योग है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन स्वर विज्ञान कहता है यदि आपने सुषुम्ना नाड़ी के जागृत रहते हुए कोई निर्णय लिया तो आपका विफल होना निश्चित है। निश्चित कह दिया और कुछ कहने के लिए बचा नहीं। इतना सुदृढ़ विज्ञान है स्वर विज्ञान का, ऐसी गहरी साइंस है स्वर विज्ञान की, कि ऐसा नहीं कहा कि योग है, हो सकता है आपको नुकसान हो, ऐसा बोल दिया कि निश्चित रूप से आप विफल होंगे ही यदि आपने सुषुम्ना नाड़ी के जागृत रहते हुए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। तो इस प्रकार के कार्य, आप कोई किसी प्रकार का बड़ा लेन देन, किसी मुख्य व्यक्ति से मिलना इत्यादि कार्यों को सुषुम्ना नाड़ी के जागृत रहते हुए ना करें। लेकिन क्या काम हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ध्यान लगाना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, यह सब कार्य, तीर्थों की यात्रा करना और भी अनेक प्रकार के प्रभु भक्ति के कार्य करना, आध्यात्मिक कार्य करना, प्राणायाम करना, यह सब आप सुषुम्ना नाड़ी के जागृत रहते हुए कर सकते हैं। कोई भी लौकिक कार्य आप सुषुम्ना नाड़ी के जागृत रहते हुए ना करें। तो अब विचार करते हैं कि कौन सी तीन विधियां ऐसी मैं आज, वैसे तो अनेक विधियां हैं जिसकी सहायता से आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, लेकिन मैंने तीन आसान विधियों का चुनाव किया और आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं, आप समझने का प्रयास करें। यदि आपको थोड़ा बहुत प्राणायाम का अनुभव है तो आप आसानी से तीन विधियों के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर पाएंगे। एक विधि है दोनों अंगूठों से नाक को बंद करके सांस भीतर लें और कानों की तरफ दबाकर गुब्बारे की तरह मुंह को फुलाएं, जैसे मैं कर रहा हूं अभी। मुंह से सांस भीतर लिया, ऐसा लगभग 5 या 10 बार करेंगे आप तो थोड़ी देर में सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। यह एक विधि है। दूसरी विधि है आप शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल शवासन में सीधे लेट जाएं, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, लंबी गहरी श्वास नाक से भीतर लें, नाक से बाहर निकालें। बहुत ही सरल विधि है, लेकिन सुषुम्ना को जागृत करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली विधि है। तीसरी विधि यह है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि लेटने की जगह ना हो तो क्या करें, लंबी सांस खींचें, गर्दन को ऊपर उठाएं, सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं। इसी प्रकार सांस को भीतर लें, गर्दन ऊपर, सांस को बाहर छोड़ें, गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएं।
और ऐसी मन में भावना बनाएं, ऐसा संकल्प करें, ऐसी इमेजिनेशन बनाएं, ऐसी कल्पना करें कि दोनों नाड़ियां चल रही हैं, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। धीरे धीरे अपने शरीर को आदेश देना शुरू करें, सुषुम्ना जागृत हो जा, सुषुम्ना जागृत हो जा, सुषुम्ना। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे सुषुम्ना जागृत हो जाएगी। तो आप किसी भी धार्मिक कृत्य को करने से पहले इसका प्रयोग जरूर करें और मुझे जरूर बताएं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए स्वर विज्ञान के माध्यम से। स्वर विज्ञान वह विद्या है जो कि लगभग भुला दी गई, किसी भी परंपरा ने इसको अभ्यास रूप में आगे बढ़ाने का विचार नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा प्रयास है कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। छोटे छोटे कष्ट जो बिना किसी कारण के हमें दुखी करते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से दूर कर पाते हैं स्वर विज्ञान के अभ्यास से। आशा करता हूँ यह आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।